हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग हम लोग मनी बैंकिंग पढ़ रहे थे और बैंकिंग का थर्ड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन था क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक वो हमने पहले इससे पिछले वाली पार्ट के अंदर देख लिया था तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर में सेंट्रल बैंक के बारे में क्या है सेंट्रल बैंक देखो यार हर कंट्री में कई सारे बैंक होते हैं जिनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक जिनका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना और जो पब्लिक से डिपॉजिट को लेते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं लेकिन सारे कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक और हमारी कंट्री में इसका नाम है आर और बेसिकली नोट छापने का काम आर का है क्योंकि आपने जितनी भी करेंसी नोट्स देखी हुई हैं उनमें आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जरूर देखा होगा तो क्या है सेंट्रल बैंक एपिक्स बैंक है एपिक्स का मतलब क्या ये होल बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है फाइनेंस है उसको देखता है इट इज एन एपिक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री इट एजेंसी एजेंसी ऐसी है जो नोट इशू करती है कंट्री में इन In इंडिया इसको क्या बोलते हैं रिजर्व बैंक ऐसा हमारे देश में नहीं इंग्लैंड में भी है बैंक ऑफ इंग्लैंड अमेरिका के नोट्स में लिखा रहता है नोट में फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी कि ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और हमारा जो आर है उसका एक्ट है नाइनटीन थर्टी फोर उन्नीस सौ जबकि क्लास स्टैब्लिश हुआ 1935, अंडर एक अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934 अब आरबीआई को क्यों एस्टैब्लिश किया गया बैंकों जितने भी कमर्शियल बैंक है ना उन पे कंट्रोल करने के लिए ठीक है जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए क्लास बना है आरबीआई आरबीआई सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता बैंकों को हेल्प भी करता है आगे बढ़ने में हेल्प करता है बहुत सारी फैसिलिटीज देता है बैंक को ये है सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करेंगे कौन कौन सा फंक्शन सेंट्रल बैंक करता है तो सबसे पहला जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है इशूइंग अथॉरिटी करेंसी ध्यान रखना जितने भी नोट होते हैं ठीक है उन्हें कौन इशू करता है आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग करेंसी नोट ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर हम लोग सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू कहते थे क्या कहते हैं क्लास बैंक ऑफ इशू और सेंट्रल बैंक इज द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग करेंसी नोट विच इज लीगल टेंडर तो सेंट्रल बैंक ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट छापती है जो लीगल टेंडर है जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता विच इज अप्रूव्ड और अप्रूव बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्लास इकलौती इशू है नोट छापने की और दूसरी बात वन रूपी के जो कॉइन होते हैं या वन रूपी के नोट होते हैं उनको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो एक का जो सिक्का है और एक के जो नोट है उन्हें कौन इशू करता है क्लास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री कई बच्चे बोलते हैं सर एक का नोट जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक हमें देता है वही फैसिलिटी सेंट्रल बैंक को सॉरी सरकार को कौन देता है सेंट्रल बैंक यानी कमर्शियल बैंक हमें सर्व करेगा और सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को सर्व करेगा गवर्नमेंट का बैंक है सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट ये सरकार का एजेंट भी है ये सरकार के बिहाफ़ में सिक्योरिटीज को बेचता है खरीदता है पॉलिसी बनाता है सरकार के बिहाफ में मनी मार्केट को कंट्रोल करता है और ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक का क्लास फाइनेंशियल एडवाइजर भी है जो एडवाइस करता है जो सरकार है ना उसको जो सेंट्रल बैंक है ना वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र है और सरकार को एडवाइस करता है टाइम टू टाइम आर बी आई मिक्स ऑल क्लास लोन भी देता है उनको लोन देता है और आर कुल मिला जो जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक पब्लिक को देता है वही फैसिलिटी आर किसको देता है गवर्नमेंट को तो यानी कि सरकार का बैंक है सरकार को बहुत सारी चीजें हेल्प करता है कोविड के टाइम पे कई लाख करोड़ का सरकार को पैसे दिए सरकार को देश चलाने के लिए तो आर कुल मिला के सरकार के लिए ही बना हुआ है सरकार से डिपॉजिट लेना सरकार को लोन देना सरकार को फाइनेंशियली एडवाइस देना इकोनॉमी नहीं चल रही है उसके लिए पॉलिसीज बनाना सरकार के साथ मिलके इवन नोटबंदी के, नोट के टाइम पे भी आरबीआई को इंफॉर्मेशन थी कि नोट बंद होने जा रहे हैं तो वही तो प्रिंट करेगी ना नए नोट्स तो ये सारे और इवन क्लास इन सिचुएशन ऑफ डेफिशेट बजट अगर सरकार का बजट घाटे में जा रहा है तो आर नोट भी इशू करती है क्लास और आर सेंट्रल बैंक को लोन भी देती है जिस चीज को क्या बोलते हैं क्लास

हमारा बैंक कमर्शियल बैंक और सारे कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक है जिसको क्या बोलेंगे सेंट्रल बैंक तो जो आरबीआई है वो बैंकर बैंक है सारे बैंकों पे निगरानी रखता है सारे बैंकों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सारे बैंकों को लोन देता है रूल रेगुलेशन बैंक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कमर्शियल बैंक उनके ऊपर आर ध्यान रखता है आर ये देखता है कि ये लोग सी आर आर एस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं जो भी रूल्स हैं एक्ट्स हैं प्रोविजन है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इनको लाइसेंस देना इनके ऊपर पूरी नजर रखना ये सारा का सारा काम किसका है क्लास आरबीआई का तो ये बैंकों का भी बैंक है और ये जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट

बैंक जुड़े हैं आम जनता से तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन से आप बच नहीं सकते फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अगर तुमने फॉलो नहीं किया बैंकों के रूल को तो बैंक डूब जाएगी और आर की ही क्लास महर है कि आज तक तो कोई बैंक डूबा नहीं है दिवालिया नहीं हुआ है uh, मतलब ट्वेंटी सेंचुरी में तो ट्वेंटी वन सदी में तो क्लास मुझे लगता नहीं है कोई भी क्लास यहाँ पे दिवालिया मतलब लास्ट 15 टू 20 इयर्स में तो सुना नहीं कभी भी कोई कोई बैंक जो है वो दिवालिया हो घोषित हो गया हाँ मुसीबतें आई हैं टफ सिचुएशन आया बैंकों के ऊपर कई बार आ, बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस भी आया है बैंकों के ऊपर बट दिवालिया नहीं हुआ इतने सारे बड़े बड़े लोग उधार लेके भाग जाते हैं विजय माल्या हो गया नीरव मोदी हो गया और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा उधार लेके भाग जाते हैं लेकिन फिर भी बैंक टिका रहता है बैंक दिवालिया घोषित नहीं होता स टू लास्ट रिजॉर्ट जब कमर्शियल बैंकों के ऊपर दिक्कत आती है फाइनेंशियल क्राइसिस आता है महामारी आती है तो वो क्लास किससे उधार लेते हैं सेंट्रल बैंक से लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट एज वी नो द कमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी डिमांड डिपोजिट मेरी टाइम्स मोर दैन देअर कैश रिजर्व हाउ एवर देयर मे बी ओकेजन वेन अ बैंक सफर क्राइसिस ऑफ फाइनेंस इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक एक्ट एज अडर टू लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक हेल्प कमर्शियल बैंक इन क्रिटिकल सिचुएशन सेंट्रल बैंक जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में डिफिकल्ट सिचुएशन में

तो यानी कि सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्साइज द मैनेज फ्लोटिंग अब ये चीज क्या है ये मैं क्लास आपको बताऊंगा जब मैं फॉरन एक्सचेंज रेट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊ क्या होता है सेंट्रल बैंक सिर्फ मेंटेन नहीं करता फॉरनेशनल रिजर्व को बट ऑल्सो एक्साइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट यानी कि कई बार क्या होता है जो एक्सचेंज रेट है ना जैसे अभी आपको पता है डॉलर लगभग अस्सी रुपए पहुंच गया है तो ये सत्तर रुपए फिर पिचहत्तर हुआ सेवेंटी एट हुआ ठीक है फिर एक डॉलर जो है वो हो गया अस्सी रुपए का तो ये रेट जो है मतलब अस्सी के आसपास पहुंच गया ये कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा वैन डोमेस्टिक करेंसी इज हैविली डेप्रीशिएटिंग उसकी वैल्यू कम हो रही है भैया मुझे एक डॉलर खरीदने के लिए अब अस्सी रुपये देने पड़ते हैं पहले मैं पढ़ा देता था तो चालीस पैंतालीस रुपये था अब अस्सी रुपये देने पड़ते हैं अब अस्सी रुपये आपको पेमेंट करने पड़ते हैं सोचो अस्सी रुपये कितना बढ़ गया है तो यार इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है तो आरबीआई के पास जो सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की वो सप्लाई वो आरबीआई देश के अंदर निकाल लेती है लो प्राइस पे जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस कम हो जाएगा और एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा लिमिट में मेनटेन रहेगा अब मैं तुम्हें डिटेल में तभी पढ़ा पाऊंगा जो तुमको डेप्रिशिएशन ऑफ़ फॉरन करेंसी एप्रिसिएशन ऑफ फॉरन करेंसी का पता हो और वो पढ़ेंगे फॉरन एक्सचेंज रेट में तब मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा अभी तुम इतना ध्यान रखो कि आरबीआई एक काम करती है जिसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग ये भी आर का एक फंक्शन है मैनेज फ्लोटिंग राइट तो ये कब करती है जब एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ जाता है तो आर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है इसी चीज़ को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग ओके तो जितनी भी फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कहाँ मिलेगा फॉरेक्स कहाँ मिलता है आर के पास तो अगर आर के पास फॉरेक्स कम हो जाएगा तो देश बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा क्योंकि हम लोग बाहर से कितनी सारी चीज़ें खरीदते हैं सरकार ऑयल खरीदती है फ्रूट्स खरीदती है वेजिटेबल्स ख़रीदती है अनाज खरीदती है बाहर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारी सर्विसेज उन सबको पेमेंट जाएगा डॉलर में तो आरबीआई उस डॉलर को अपने पास संभाल रखता है ताकि क्लास जो भी फॉरेन पेमेंट है ना वो सारी की सारी हो सके नेक्स्ट एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो भी अमाउंट है उसे क्लियर करने का काम सेटल करने का काम आर का है सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम ऑफ कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक के जितने भी क्लेम है वो सेटल कौन करता है आर सिंस सेंट्रल बैंक होल्ड रिजर्व फॉर कमर्शियल बैंक इट ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक फैसिलिटेड क्लियरिंग ऑफ चेक तो एक दूसरे के जो भी चेक्स वगैरह क्लियर हैं या एक दूसरे का जो भी बैलेंस बचा है इसको इसका इतना देना है इतना लेना है वो सब क्लियर कौन करता है क्लास आरबीआई इन सब के अलावा आरबीआई का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वह कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अगर इकॉनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई बी इकोनॉमी से पैसे छीन लेता है और अगर इकॉनॉमी में पैसा कम है मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देता है पैसे दे देता है अब अगर कंट्री में महंगाई बढ़ रही है लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं यानी पैसा ज़्यादा है उनके पास आर मार्केट से पैसे निकाल लेता है और अगर डिफ्लेशन है तो आर मार्केट में पैसे डाल देता है इस पूरी चीज को करने के लिए आर की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो हम अगली क्लास के अंदर डीपली पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कैसे आर इन्फ्लेशन यानी अगर महंगाई है या मंदी है डिफ्लेशन उसे कंट्रोल करता है सो द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इट इंप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाई रेगुलेटिंग एंड क्रिएटिंग द क्रेडिट द कमर्शियल बैंक क्रिएट बाई कमर्शियल बैंक द सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल दप्लाई ऑफ मनी ध्यान रखना मनी सप्लाई को कंट्रोल मनी को क्रिएट करने का काम किसका है कमर्शियल बैंक को मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसका है सेंट्रल बैंक का को विद सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज रेस्ट्रिक्टेड अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई रोक दी जाती है कंट्री में डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दी जाती है करो मनी सप्लाई जितना पैसा मिलेगा लोगों के पास उतना अच्छा है तो आपने देखा होगा बहुत मंदी चल रही थी क्लास जहाँ पर जब भी मंदी चलती है तो आर किसी न किसी तरीके से लोगों को लोन देने की कोशिश करता है कमर्शियल बैंक के थ्रू कि लोगों को लोन मिलेगा लोग को पैसा मिलेगा लोग डिमांड करेंगे और अल्टीमेटली एक का डिमांड दूसरे की इनकम बनेगी भाई मैं इसे खरीद के लाया तभी तो इसकी कमाई हुई ना इस पेन की दुकान वाले की तो मैं डिमांड करूंगा तो मैं खर्चा करूंगा किसी और की की इनकम इनकम बनेगी बनेगी वो खर्चा करेगा किसी और की ये चलता चला जाएगा दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल तो यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है आरबीआई का है ओके okay? एक डिफरेंस है बहुत सिंपल है क्लास बहुत ज्यादा चांस नहीं होते पेपर में आने के लेकिन हाँ हमें पढ़ना जरूर है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक तो सबसे पहली बात कमर्शियल बैंक क्या करता है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा जबकि सेंट्रल बैंक किससे लेता है डिपॉजिट को पब्लिक से भी सॉरी ऑल कमर्शियल बैंक से लेता है और सरकार से ये लोग आम जनता से पैसे लेते हैं ये किससे पैसे लेते हैं क्लास आर किससे आई पैसा लेता है सारे कमर्शियल बैंक से और गवर्नमेंट से ये करते हैं क्लास ये क्या करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड सप्लाई ऑफ मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन ये क्रेडिट को क्रिएट करते हैं और ये करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं ये क्लास फॉरेन करेंसी रिज़र्व को नहीं रखते अपने पास ये फॉरेन करेंसी रिजर्व को रखते हैं इनका फोकस होता है मुनाफा कमाना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कमर्शियल बैंक का लेकिन सेंट्रल बैंक का फोकस क्या होता है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पे इट इज़ नॉट अ करेंसी इशूंग अथॉरिटी ये नोट नहीं छापता जबकि यह क्या होता है क्लास करेंसी इशूंग अथॉरिटी आर करेंसी इशूंग अथॉरिटी ये नोट छापता है जबकि कमर्शियल बैंक क्लास नोट छापने का राइट उसके पास नहीं है ये उसका डिफरेंस है राइट तो अब हम लोग बस लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा बेटा अगली क्लास में जितना भी तुम्हें पढ़ाने वाला हूं वो सेम टू सेम अग्रीगेड डिमांड अग्रगेड सप्लाई नाम का एक चैप्टर है उसके अंदर वो सेम टू सेम आ रहा है तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना क्लास ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कर सको तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करना अपने सारे कॉमर्स के क्लास ट्वेल्थ के जितने भी दोस्त भाई बहन हैं उन सबको वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पूरा का पूरा कॉन्टेंट अच्छे से मिले और आप लोग यूट्यूब में स्कूल के यूटी स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करो और ताकि सी की प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम तुम्हें बाद में मिल जाए और साथ में तुम बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सको तब तक के लिए मिलते हैं बाद में टेक केयर बाय बाय इसके बाद एक वीडियो और, और मनी बैंकिंग पूरा खत्म और पूरा का पूरा नेशनल इनकम खत्म कर चुके हैं इसी तरह से इको बेस्ड की वीडियोस भी आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बेलाइकन दबाओ ताकि अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डेट तक कर सको ठीक है